लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने और मोदी सरकार ने देश को क्या दिया? हाथों की ये कारीगरी देश भर में कमा रही नाम। भारत में बढ़ रही है बेरोजगारों की संख्या। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धुआंधार रैलियां निकाली। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की चार पीढ़ियों ने जो काम नहीं कर पाई वो काम हमने चार साल में कर दिखाया है। अब मुकाबला हो जाएगी कांग्रेस के चार पीढ़ियों ने काम ज्यादा किया है या चार साल में बीजेपी ने किया है। डब वाली की जूतियां पूरे देश भर में मशहूर है। इन जूतियों की खास बात ये है कि महिलाएं इन्हें हाथों से तैयार करती है। यही नहीं, इन्हीं जूतियों से कमाए पैसों से वो अपना घर भी चलाती है। भारत में बेरोजगारी की संख्या निरंतर बढ़ रही है। सरकार वादे कर रही है, बयानबाजी कर रही है, पर सच्चाई कुछ अलग ही है। बेरोजगारी की बोझ बढ़ते ही जा रही है। रोजगार सृजन के सारे वादे फीके पड़ने लगे हैं। वही रोजगारी दर बीते दो वर्षों के सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई है। इसका एक बड़ा कारण नोटबंदी हो सकता है। खबरों में आज के लिए इतना ही। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए प्ले स्टोर से आज ही MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।